यहाँ से देख उतर गई अहमद, इसी से निकालो। हाँ देख उतर गई, अब देख के पास ना लगाना एकदम चारों तरफ। लकड़ी हटा लो ये। माशाल्लाह माशाल्लाह, दाना दाना अलग है जी। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है? ठीक ठाक है, खैरियत से हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज फिर मेरे हाथ में आपने टोकरी देख रहे हैं, रोजाना की बुनियाद पर जा रहे हैं मिर्चे तोड़ने के लिए। जैसे कि आप सबको मैंने पिछली दफा बताया था, हम मिर्चे ज्यादा खाते हैं जैसे आप सबको पता है। एतवार को हमने करवानी है घर में कुरान खानी, तो बना रही हूँ बच्चों के लिए लंगर। आज किया गया बच्चों के लिए लंगर का तराम इंतजाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे जी, आमीन सुमा आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह से हमारा खेत देखें कैसे हरा भरा हो गया है, अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी मेहनत अल्हम्दुलिल्लाह। जब आप मेहनत करते हो और अल्लाह पाक उसका आपका फल आपको नजर आना शुरू होता है ना, खुशी होती है उस चीज की, खुशी होती है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह बस बहुत जल्दी हम इसका यानी कि प्रॉफिट भी उठाएंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह जब मेहनत की। आज मेरी बेटी जी आपसे कुछ कहना चाह रही है सबसे। चैनल को सब्सक्राइब करिए। अच्छा चैनल को सब्सक्राइब करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को पेंट करिए। नई आने वाले बहन भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, वीडियो को लाइक शेयर और एक अच्छा सा कमेंट भी कर दिया करें। और काफी दिन से ना कमेंट देखने को मिल रहे हैं, जो हमारे नए बहन भाई हैं वो कहते हैं आप किसी के खेतों में से सब्जी तोड़ लाते हैं, ये है वो। तो हमारे जो ओल्ड बहन भाई हैं उन्हें सबको तो पता कि ये खेत भी हमारे हैं, ये सब्जी भी हमारी है। बैकग्राउंड में आपको एक परिंदे की आवाज जो है ना वो सुनाई दे रही है, उन दरख्तों में बैठा हुआ है अभी भी। सुने तो इसको अगले दिन पूछ रहे थे कि ये कौन सा परिंदा है जो रिलैक्सिंग, मतलब कि इसका बहुत ही ज़्यादा आवाज़ है। तो इस मौसम में ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा होती हैं, इनको वैसे तो कोयल कहा जाता है, वैसे पता नहीं इसको कुकू भी कहते हैं ऐसे कुछ। और इसकी जो आवाज़ है ना बहुत ही सुरीली होती है, जब ये ख़ास तौर पर कर रही होती है बहुत प्यारी लगती है माशाल्लाह से। जैसे कि अहमद ने बोला कू, अहमद कुकू है, कुकू ये कोयल की आवाज़ निकाल लेते। चले चलते हैं, पानी लगा हुआ है। एक काम करो ये जो साइड साइड पे है ना यहाँ से तोड़ लो। अच्छा जी हम तोड़ रहे थे मिर्चे अल्हम्दुलिल्लाह से हमने तोड़ लिए। भाभी पहुंच गई, भाभी कह रही आके हमारा चूल्हा देखो कैसा किचन बनाया चूल्हा देसी, पहले यहाँ पर बना हुआ था ना। पहले बीच में था ना, मैं सेंटर में था तो भाभी से मैंने कहा ये अच्छा नहीं लग रहा है, तो फिर भाभी ने पीछे करके बनाया। माशाल्लाह देखें जी डबल चूल्हा बना हुआ है। उधर पे आप इन्हें चाय भी रख सकते हैं जहाँ से सेक जाता था। और इधर भी एक प्योर देसी, यहाँ से कोयले निकाल के उसके अंदर डाल के ना आप हंडिया रख सकते हैं, हंडिया गर्म रहेगी। प्योर देसी देसी मॉल पूरा किचन लेप कर लिया भाभी ने। माशाल्लाह काफी देखे कैसा अच्छा लग रहा है, खुशबू देखो मिट्टी की। अच्छा ये देखें बर्तन टांगने का सिस्टम। हाँ ये अच्छा, ये गाँव देहात में वैसे भी होता है, पहले वहां पर लगा हुआ था एक लाकड़ा वहां पे लगा हुआ था, उसके अंदर ना वो बने हुए थे छोटे छोटे से किले, उनके अंदर बर्तन लटकाते थे। हमारे गांव के चारों तरफ सब्जी सब्जी है, जहाँ जाओ सब्जी मिलेगी, जहाँ जाओ सब्जी मिलेगी। और ये देखें ये माशाल्लाह से लोबिया का खेत है, इसमें मिर्चे भी लगी हुई है, कद्दू भी लगा हुआ है, लोबिया भी लगा हुआ है, और दूसरा वहाँ जंतर भी लगा हुआ है। मत वो देखे इस तरफ ककड़ियाँ लगी हुई है। हाँ ये सारी ककड़ियाँ लगी हुई है, ककड़ियाँ मुराद वो जो खीरे होते हैं ना। हाँ गर्मी लगी हुई थी बहुत ज्यादा, मैंने कहा गोला गंडा ही खा ले, लेकिन प्याज जो है ना वो टूबल के पानी से ही खत्म हो गई। ये वापस आते हुए जी सब्जियां तोड़ के तो देखे गोले गंडे खाना शुरू हो गया, मुझे भी जो है ना दिल कर रहा है मेरा भी कि मैं भी खाऊं। रत्ता पामी रत्ता सुनी हाँ रू अफजा सावा कलर देसा हाँ जी वो सावा कलर ओ वाला ओ भी बड़े से त्यार है त्यार। ओए मिर्ची अपने धोनी है, चलते हैं अपने किचन।
चंद की तरफ और अपने देख की तरफ आ जाए हमारे साथ। अब कहाँ बना के दूध देख का खड्डा बना, यहाँ कहीं रखी है? हाँ यहाँ कहीं रखी है। माशाल्लाह से जी, बेगम साहिबा समझ लें कि पूरे गांव के लिए आज बना रही हैं स्पेशल किस्म का आलू वाला पुलाव। पुरान खाने में बच्चे भी खा लेंगे। रात को कमर थे कि प्लीज मुर्गी छोड़ दें, मुर्गी ना खाएं, मुर्गी में वायरस आ रही है, मुर्गी इस वजह से ना मुर्गी सस्ती होगी, आप ना खाएं, तो हमने कर दिया बायकॉट, अब नहीं खाएंगे हम मुर्गी, आलू सब्जी खा लेंगे, मुर्गी से अच्छी हमारे लिए आलू सब्जी। और भी कमेंट्स थे कि अहमद भाई आप थोड़ा ख्याल करें, गर्मी काफी शदीद है, राबिया से जो आप कुकिंग करा रहे हैं थोड़ी बहुत बना लिया करें, बस वो ठीक है, इतना हैवी नहीं। असल में जी मुर्गी सस्ती थी ना, तो मैं इस वजह से जो है ना लालच करके ले आया। बारे में भी काफी कमेंट आते, तो मैं चेहरे पे कुछ नहीं लगाती, इस तरह मेरी नाइट क्रीम है संदल साबुन और संदल क्रीम। आप भी अगर आओगे ना हमारे गाँव में, हमारे गाँव में आओ तो आपका भी चेहरा रेड हो जाएगा, जितनी गर्मी पड़ रही है विलेज में। राबिया हाँ जी, पक्की जमीन है, फुल पक्की है। हाँ जी, तो ज्यादा गहरा नहीं मारना ना हमने, फिर दोबारा ये मिट्टी आ जाएगी ना यहीं पे। बस बच्चे भी ना तकरीबन 3:30 बजे तक आएंगे पढ़ने के लिए। अच्छा, हम एक काम क्यों ना करें? हाँ जी, काफी अरसे से तो हम भी यही सोच रहे हैं ना कि वो लोहे वाला मंगवा लेते हैं एक ना। हाँ जी, चूल्हा जहाँ मर्जी रख के पका लिया। हाँ वो सही रहेगा है ना। हाँ लेकिन अहमद मुझे उसका एक्सपीरियंस नहीं है, उसमें मुझे देख गिरने का डर होता है, ये सही रहता है मेरे लिए। अल्हम्दुलिल्लाह से तैयारी हो गई, खड्डा लग गया और मैं सामान बनाने बैठ गई हूँ, आधी देर ये देखो ले पा, मैंने कहा जब तक मैं सारा सामान बना ले तो अहमद ग्रीन चिली पुलाव बनाऊँ या रेड चिली? रेड चिली, ग्रीन चिली काफी सारी है। नहीं नहीं देग है। हाँ हो जाएगी पूरी। नहीं नहीं नहीं, चलो रेड चिली पुलाव बनाते हैं, आज बनाएंगे हम रेड चिली पुलाव आलू वाला, और वो भी कराची स्टाइल। आज इनको भी नहला दिया है माशाल्लाह से। हेलो जी, देखें जी ऊपर टांगे रख लिए, आलू छिल रहे हैं ना कि हम छिल के खाएंगे। सबर कर जाओ, दो मिनट सबर कर जाओ। टमाटर के भी प्याज के भी छिलके सारे निकाल, सबर कर जाओ। माशाल्लाह से जी ये मकामी टमाटर हैं हमारे इलाके के, अब टमाटर आ गए हैं 30 रुपए किलो के हिसाब से, 30 रुपए किलो, 200-250 रुपए किलो मिलते हैं। और आपको ना ये दिखाता चलूं, ये मिर्चें मैं कल शहर से लेके आया था और ये मिर्चें अभी तोड़ के लाए, इनके अंदर आप डिफरेंस चेक करें। ये मिर्चें आप भले एक दिन रख भी देंगे ना तो भी इस कंडीशन में नहीं जाएंगी, कम से कम 5-6 दिन के बाद जो है ना इस कंडीशन में पहुंचेंगी। ये है ताज़ा और ये है बासी, लेकिन अहमद नस्ल का फर्क है, ये और मिर्च है वो और मिर्च, और ये प्याज भी ताज़े खेत के हैं जी। हाँ ये मामू के खेत के प्याज हैं, ये देखिए माशाल्लाह। कहते हैं ना ऊंची दुकान फीका पकवान, इन मिर्चों का वो हिस्सा। हाँ ये ताज़ा है। खड्डा सही बनाया ना? हाँ बिल्कुल सही। हाँ? कोई गलती तो नहीं है? नहीं नहीं कोई गलती। माशाल्लाह से सही बना, सीख लेते हैं, सीखता है बंदा। चावलों की क्वांटिटी कितनी है? चावल 6 किलो है, 1.5 किलो घी। 6 किलो चावल, 1.5 किलो घी। अल्लाह का शुक्र है जी, अल्हम्दुलिल्लाह से आज फिर हमारे घर में रूटीन वाइज जैसे हम मदरसे के बच्चों को खिलाते थे, आज से फिर चंद्र माशाल्लाह कुरान पाक पढ़ रहे हैं। हाँ जी, घर में उनके लिए लंगर बने। राबिया वाह भाई वाह। हाय अल्लाह, वाकई देखने वाले सही कहते हैं अहमद साहब। राबिया पर जुल्म कर रहे हैं। हाय अल्लाह, मैं कौन सा जुल्म कर रहा हूँ?
माशाल्लाह जी मेरी बेगम को वैसे ही कुकिंग करने का बहुत ज्यादा शौक है। ये देखें ना जी, इतने बड़े बड़े गैजेट्स जो है ना मंगा के रखे हुए, अभी इससे भी बड़े बड़े गैजेट्स जो है ना वो रखे हुए, बड़ी बड़ी कढ़ाइयां, बड़े बड़े पतीले, और ये भी हम लेके आए थे अल्हम्दुलिल्लाह से, काफी दफा पहले इसमें लंगर बना भी चुकी हैं। है अगर मेरे जो नए बहन भाई है जिन्होंने नहीं देखी हमारी ये देख वाली वीडियो, तो मेरे ओल्ड वीडियो पड़ी हुई है इसे राबिया लाइफ चैनल पर, इस पर भी मौजूद है हमारे सेकंड चैनल राबिया अहमद पर भी जो है ना मौजूद है। वैसे रेसिपीज वगैरह जो है ना हम ज्यादा उसी पर बना रहे थे, लेकिन फिर काफी सारी डिमांड थी कि आप लोगों ने अब रेसिपी बनाना छोड़ दी है ये वो, तो फिर हमने कहा क्यों ना, असल में दो दो वीडियोस बनाना दो दो चैनलों के लिए उसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए होता है। फिर नहीं टाइम मिलता बिल्कुल भी नहीं, मैं तो उन लोगों पे हैरान हूँ जो एक दिन में चार चार वीडियो अपलोड कर रहे होते तीन तीन, लेकिन हमें बिल्कुल घर के काम काज हैं, जमीनों के काम काज हैं, फिर और भी काफी मसले मसाइल होते हैं, तो इस वजह से जो है ना काफी बहन भाई ये भी कह रहे ना अहमद साहब निकम में घर ही पड़े रहते हैं, अहमद साहब निकम्मे नहीं है, अहमद साहब जितना खेती बाड़ी करते हैं आपको कभी दिखाऊंगा इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह जी जो है ना आप इसी चैनल पे आपको रेसिपीज भी देखने को मिलेंगी और ब्लॉग भी देखने को मिलेगी इंशाल्लाह। अच्छा गर्मी तो नहीं लग रही ज्यादा? नहीं लग रही है, लेकिन मुझे पहले सादा पानी पिला दे ठंडा। मैं तुम्हारे लिए कोल्ड ड्रिंक लेने जा रहा हूं। नहीं कोल्ड ड्रिंक नहीं, मुझे पहले सादा पानी दे फिर कोल्ड ड्रिंक बाद में। वाह, क्योंकि जितने मर्जी पसीना आए ना मीठा पानी पी लो, लेकिन प्यास आपके सादे पानी से ही बुझेगी। ये तीन है, इनमें से कोई आप दो उठा ले, एक वो ठंडा ठंडा देखो। अब ये बहन भाई ये कहेंगे कि राबे चूल्हे पे खड़े होके कभी पानी ना पीना। क्यों? क्योंकि इधर से जिस्म गर्म होता है और ठंडा पानी पीते हो ना खालिश का डर होता है। नहीं अल्लाह पाक खैर करेगा। कैसा मैं वो ये स्पेशल बोतलें जी हम डी में रखते हैं, तो ये वहीं से निकाल के लाए। मैंने कहा गर्मी में है ना तो थोड़ा सा ठंडा पानी ये जरा जरा सा पीती रहेगी। ये छोटी बोतल है ना बच्चों के लिए रखते हैं, बड़ी बोतलों को ताकि मुंह ना लगे। हाँ वाह माशाल्लाह से प्याज हमारे ब्राउन हो गए हैं हल्के, जैसे ये ज्यादा तोड़ के ब्राउन होते हैं इसमें हम टमाटर ऐड करेंगे। ये लो इसे रख दे, लगा दूं? नमक घोड़ो जो टूटता ही नहीं सख्त तो है, उसमें नमक कम है, पानी मैंने डाल दिया अल्हम्दुलिल्लाह से, नमक हम थोड़ा सा और ऐड करते हैं क्योंकि मैंने टेस्ट किया था नमक हल्का था। पानी कितना ऐड किया रबिया? पानी 9 किलो ऐड किया। 9 किलो? हाँ। और 10 किलो नमक? हाँ 10 किलो नमक। बस ठीक है, ये 10 किलो नमक डाल दिया? हाँ जी पहले डाल दिया। अच्छा हाँ जी, दो जगह मैंने कहा डिवाइड कर लूँ, ये नौ का वो हो जाए गिर जाए मुझसे। माशाल्लाह से एक कटोरा हमने डाल दिया, बाकी ये छानने वाले चावल थे ये भी हम इसमें ऐड कर रहे हैं। ख्याल करी ये बहुत पुराना तरीका है नमक चेक करने का, कौन कौन इस तरीके से शहरों में भी चेक करता है। ओके अब तो मुझे इतना अंदाजा हो गया कि बड़ी देग में नमक और मिर्ची कितनी जाएंगी, छोटी क्वांटिटी में बनाए तो कितना इस्तेमाल होएगा मिर्च मसाला, और अगर बड़ी बनाएंगे तो कितना इस्तेमाल होगा बड़ी देग में। अल्हम्दुलिल्लाह वाह क्या बात है बेगम क्या बात है, ये देखे माशाल्लाह माशाल्लाह। चलो चलो मैं दम पे आ गया।
माशाल्लाह से देख उतर गया अहमद, इसी से निकालो। हाँ देख उतर गई, अब देख के पास ना लगाना एकदम चारों तरफ। लकड़ी हटा लो ये, हाँ ऐसे ऐसे ऐसे, माशाल्लाह माशाल्लाह। बस ये मोटी मोटी लकड़ी हटा लो जल्दी जल्दी, आप दम दे चलो। चले माशाल्लाह से दम लग गया। अब ये मैं ये लकड़ियाँ मोटी मोटी चिमटे के साथ हटा, मिलते हैं जी आपसे कितनी देर के बाद? 20 मिनट के बाद, 20 मिनट के बाद फाइनल लुक के साथ इंशाल्लाह। से 20 मिनट हो गए हैं, खोलते हैं हम चावल का दम। ये गर्म है इसलिए इसे कपड़े के साथ उठाएंगे। माशाल्लाह क्या बात है जी, क्या बात है खान सामा साहब, क्या बात है। देखें देखें देखें, चमचा लगाऊं इसके अंदर। माशाल्लाह खुशबू भी बड़ी जबरदस्त आ रही है। हल्के आज गरम मसाला वगैरह नहीं था और लहसुन अदरक भी नहीं था, माशाल्लाह से फिर भी इतने मजेदार बन गए हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, दाना दाना अलग है जी। देखे कलर वही है ना देख वाला, तो देख में है, तो देख वाला कलर तो और कौन सा होगा। देख में है तो देख वाला कलर ही होगा, और कौन सा होगा। देख को पकड़ो मेरे साथ, कहाँ एक तरफ करवाएं, देखो इधर करके ना, देख को हिलानी है। ये है असल शेफ, असल चढ़ोए की निशानी, देख पकाने वाले की, चावल मिक्स करने की। ये देखिए मिक्स हो गए, क्योंकि अगर हम चमचे से निकालेंगे ना चावल सारे टूट जाएंगे, तो इससे ये अच्छा तरीका है। वाह माशाल्लाह से देख हमने उतार लिए, और अभी मैंने अहमद से कहा कि पहले ना ये खड्डे को बंद कर दूँ, क्योंकि खड्डा गर्म, बकरी के बच्चे हैं छोटे छोटे से, बिल्ली के बच्चे भी, तो कहीं ये ना हो कि उनका पैर आ जाए इसके अंदर गर्म गर्म। ये जल्दी से ये सारी मिट्टी वापसी इसके ऊपर, फिर हमें ना इसे दबाव सा देंगे ना और पानी डाल देंगे तो ये बराबर हो जाएगी, है ना। थी पक्की मिट्टी, बहुत मुश्किल से अहमद का सांस निकल गया, पसीनो पसीनो हो गए थे बिल्कुल ही अहमद, मिट्टी यहाँ से खड्डा बनाने में। ओ उड़ उड़ साठ उड़ तेरे पीछे है मिट्टी, ये देखा। हाँ ये सारी मिट्टी, पहले अहमद साहब से काम हो जाता था, लेकिन जब से हमने छोड़ा था कराची चले गए थे, नहीं अभी हाँ उसके बाद ना अहमद साहब अगर थोड़ा सा भी काम करते थे ना कहीं पे तो कमर में दर्द होता, लेकिन अभी आदत पड़ गई, अभी नहीं होता ऐसे ना। अहमद साहब अभी बिल्कुल फिट रहते हैं माशाल्लाह से। माशाल्लाह से कैसी लगी आपको आज की वीडियो? बस अल्लाह पाक अपने बारगाह इलाही में कबूल और मकबूल फरमाए माशाल्लाह से। इनको भी दे दो, वो भी चावल खाने के लिए आए। पुलाव बहुत ज्यादा मजेदार बना है, बच्चों में मैंने तकसीम कर दिया, अभी मैं यहीं पर बैठी हूँ, वो उल्टा टकरे मार रहे हैं। अब ये देखो लड़ रहे हैं मुझसे, जैसे बच्चे लेने के लिए आएंगे तो फिर कौन होएगा देने के लिए, मैं इसलिए यहीं पर बैठ गई। तो यहाँ पर लेंगे हम आप सबसे इजाजत के, जहाँ रहे हंसते रहे मुस्कुराते रहे, खुशियाँ बांटते रहे। अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान।